वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक से एक टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज लेके आ चुका हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही न्यूज अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई, सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है मिस्टर फैजू की तरफ से। मिस्टर फैजू ने जो अपनी चैनल पे जो ब्लॉग अपलोड किया था उस ब्लॉग मतलब वो ब्लॉग अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहा है और उसके ऊपर 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 5 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा जो कैरिमिनाटी के लवर्स है, यूट्यूब लवर्स है, 1 मिलियन से ज़्यादा डिसलाइक हो चुके हैं। तो गाइस, दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि आमिर सिद्दीकी ने मतलब एक जो उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग है वो अभी तक यूट्यूब में बहुत ही वायरल चल रहा है, बहुत ही लीक हो रहा है। तो आप लोग को भी अगर सुन रहा है तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा सुना देता हूं और जो गाली वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हल्का सा निकाल दूंगा। चलिए सुनते। ये बंटा है, मतलब आज मेरी भजी है तो तुम लोग मजे ले रहे ना? सही है सही है, ले लो मजे ले लो। दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमज़ान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूँगा मैं रमज़ान के बाद, जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊँ, ये जो दे रहा है ना वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसका नाम आमिर नहीं। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना वो भड़वे को, उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते की तरह भोकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। और फिर ये एक पॉइंट हो गया, फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि गाली गलौज करता है मेरा बाप। ये ऐसे रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा सीन्स। तो गाइस, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हर्ष बेनीवाल की तरफ से। हर्ष बेनीवाल ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा था कि मतलब कि हैशटैग रोस्ट नहीं फ्राई करूंगा। अब जैसे कि देख सकते हो, चलो उनकी मैं पहले आप लोगों को स्टोरी दिखा देता हूँ। मतलब इसका मतलब यही है कि हर्ष बेनीवाल भी अपनी चैनल पे पता नहीं एक नई यूट्यूब वॉच टिकटॉक के ऊपर नई कंट्रोवर्सी के ऊपर कोई वीडियो लाने वाले हैं, तो पता नहीं, वो तो पता नहीं। लेकिन अभी एक जो है राउंड टू हेल की तरफ से एक पोस्ट आने वाली है, मतलब उन्होंने जो पोस्ट किया था, एक थंबनेल अपलोड किया था और वहाँ पे बोला था कि 100K लाइक्स के ऊपर मतलब कमेंट हो जाएंगे तो वो वीडियो अपलोड करेंगे। और क्या बताऊँ यार, कमेंट का बटन टूट गया है। अभी उनका वीडियो मतलब कि 2-3 दिन में जल्दी आने वाला है। सो गाइस, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है Adnan07 के ऊपर से। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि मतलब कल मतलब नहीं 24 आवर्स मतलब कि कल से ही अदनान का एक और रिकॉर्डिंग मतलब बहुत ही लीक चल रहा है। आप लोग को नहीं पता था, आप लोग ने अभी तक नहीं सुना, मतलब सुना तो होगा, नहीं सुना तो आप लोग को सुना देता हूँ। चलिए पहले सुनते हैं फिर बात करते हैं। छोटा मोटा गेम नहीं करने का। कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है अभी। सो गाइस, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि आमिर सिद्दीकी का कॉल रिकॉर्डिंग मतलब जो आमिर सिद्दीकी का कॉल रिकॉर्डिंग है बहुत ही लीक हो रहा है, बहुत ही वायरल हो रहा है। तो उसके ऊपर हिंदुस्तानी भाव ने कल रात को वीडियो अपलोड करते हुए कुछ कहा है, तो चलो देख लेते हैं उनकी वीडियो में कि हिंदुस्तानी भाव का क्या कहना है। आमिर सिद्दीकी उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग अभी मेरे को किसने भेजा, पहला रिकॉर्डिंग बाद में टप टप मतलब आज मेरी भजी है तो तुम लोग मजे ले रहे ले ना? सही है ले लो मजे ले लो। दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तू गाली गलौज करेगा, तेरी गांड कम मारी पब्लिक ने, वो बच्चे को धमकी दे रहा है, हाँ क्या उखाड़ेगा उसका, क्या उखाड़ेगा? तू और तेरी सारी फल्टन, समझा? तू और तेरी सारी फल्टन जो भी तेरे साथ में, समझा? सब और मैं अकेला कैरी के साथ और जितने भी यूट्यूबर है सबके साथ है मैं, एक को भी हाथ लगा के इनका, अगर सच में मत का बच्चा है ना तू, एक को भी हाथ लगा के बता। हाँ, ट्रैक रेडी कर रहा हूं ना उसके लिए, तो ये भड़वे को बताऊंगा। रमजान का महीना है ना, इसलिए उसने तेरे को तेरी औकात दिखा दी, इसलिए ना उसने तुझे तेरी औकात दिखा दी, जो तुझे घमंड आया था ना,
समझा बेटा, घमंड आया था ना तेरे को, जो तेरे गांड से घमंड निकाल दिया उसने, समझा। तो जब ऊपर वाला देता है ना तो निकालना भी जानता है। गाइस अभी न्यूज निकल के आ रही है रिवॉल्वर रानी की तरफ से। सो गाइस आप लोग को पता होगा कि कल रात को इंस्टाग्राम पे रिवॉल्वर रानी ने एक स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा है, तो चलिए देख लेते हैं उनकी स्टोरी क्या है। पहले पूरी की पूरी उनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, बाद में हमारी वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो रिवॉल्वर रानी बोल रही है कि हमारे कम्युनिटी के लड़कियों को गाली पड़ी तो IGTV वीडियो बनाया, और आज एक यूट्यूबर की फैमिली के लिए इतने गलत वर्ड यूज किए जा रहे हैं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो रिवॉल्वर रानी ने नेक्स्ट स्टोरी में पोस्ट करते हुए कहा है कि थोड़ा काम पर ध्यान देते हैं, अब खत्म करो इस बात को। मतलब अब वो खत्म करना चाहते हैं सब कुछ। सो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और यार कमेंट में खास करके बताना कि आज मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, तो आप मुझे कमेंट करके खास बताना कि मतलब नेक्स्ट वीडियो से अब मैं यही कैटेगरी को पकड़ू या ना पकड़ू। तो बस यार आज की वीडियो को इतना रखते हैं, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।